नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु सामाजिक फासले को प्रोत्साहित करने के लिए सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के संचार प्रणाली में मजबूती। और सेल रौरकेला स्टील प्लांट के विभिन्न इकाइयों में निष्कीटित सफाई प्रक्रिया युद्ध स्तर पर। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी संबंधित वर्तमान के तनावपूर्ण स्थिति में जब मौजूदा हालात तेजी से बदल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में शीर्ष प्रबंधन के संदेश को हर वर्ग तक पहुंचाना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। ऐसे में सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के शीर्ष प्रबंधन, विभाग अध्यक्षों और महत्वपूर्ण अनुभागीय प्रमुख के साथ कार्यालयों और साथ ही साथ घरों में भी उनके साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए संचार इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संयंत्र के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को तात्कालिक तौर पर सुव्यवस्थित और सघन किया गया है। एक या दो दिनों के भीतर एक प्रणाली विकसित की गई है जिसके उपयोग से मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों से लेकर सभी मुख्य महाप्रबंधकों, सभी विभाग अध्यक्षों और सभी महत्वपूर्ण अनुभागीय प्रमुखों को प्लांट कंट्रोल, इंटरकॉम और मोबाइल फोन के माध्यम से जोड़ा जा सके। चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए तीव्रता के साथ कमजोर लिंकों को ठीक किया गया है और नए कनेक्शन लगाए गए हैं। परिणाम स्वरूप CORSP 24 तारीख की रात को 10:30 बजे प्लांट के सभी प्रमुख व्यक्तियों को एक घंटे से कम समय की अवधि में भी संयंत्र के दृष्टिकोण से अवगत करा पाए। इस तत्कालिक संचार व्यवस्था से बहुत सारी शंकाओं का स्पष्टीकरण करने में, गलतफहमियों को दूर करने में और गलत संचार को रोकने में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। संचार प्रणालियों को मजबूत करने से बैठक में कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता को रोका जा सकेगा, जिससे सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जो कि कोरोना वायरस के प्रकोप के रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए संयंत्र के विभिन्न इकाइयों में निष्कीटित सफाई प्रक्रिया अभियान युद्ध स्तर पर चला रही है। सफाई और स्वच्छता के उद्देश्य के लिए विभिन्न विभागों को ब्लीचिंग पाउडर प्रदान किया गया है। ब्लीच जल छिड़काव विभिन्न विभागों जैसे हॉट स्ट्रिप मिल, प्लेट मिल, स्पाइरल वेल्ड पाइप प्लांट, ERW पाइप प्लांट, कोल्ड रोलिंग मिल, सिलिकॉन स्टील मिल, डिवाइडिंग लाइन, सेंट्रल स्टोर्स, स्टील मेल्टिंग शॉप 1 और 2, ब्लास्ट फर्नेस 1 और 5, कोक ओवन, सिंटर प्लांट 2 और 3, ओवर बेडिंग और ब्लेंडिंग प्लांट में किया गया है। सभी PCB और सार्वजनिक शौचालयों को नियमित रूप से साफ सफाई की जा रही है। कार्यालय के फर्श रोजाना पोछे जा रहे हैं। रेस्ट रूम और शिफ्ट कार्यालयों को फिनाइल और ब्लीच पानी से पोंछा जा रहा है। इसी के साथ आज का समाचार यहां समाप्त होता है। नमस्कार।